हेलो नमस्ते, अग्निजा कॉम्पिटेटिव एकेडमी डेयरी ऑन सोन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग जो है बहुत ही आराम से इस टाइप के सवालों को अब करना सीखेंगे। देखिए सवाल कितना लंबा है, ए से बी का दे दिया है 2/9 अनुपात 1/3, बी से सी दिया है 2/7 अनुपात 5/14, डी से सी का अनुपात दिया है आपका 7/10 अनुपात 3/5। आपसे पूछा है कि ए बी सी डी का अनुपात साथ में क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जैसे कि अगर सवाल इतना लंबा दिया है, आई देख रहे हैं कितना, अगर हम इसको पहले तो अगर पुराना मेथड से अगर बना है तो ए और बी में जो अनुपात है पहले 2/9 दे के बेवकूफ बनाया है 1/3, तो 2/9 और 1/3 तो अनुपात सबको पता है कि कभी बट्टा में नहीं होता है, तो बट्टा से हटा के इसको सही तरीके से लाना होगा। तो देखिए 3 से 3 बार में 9, तो 2/9 हो जाएगा। तो ए से जो बी का रेशियो है 2/3 हो गया। अगर आप बी से सी फिर निकालेंगे तो 2/7 अनुपात 5/14, तो इसको फिर करेंगे 7 से 2 बार में खत्म, तो ई जो बी से सी का आएगा 4/5 आएगा। फिर अगर पुराने वाला तरीका इस करना ही है तो आप देख लीजिए, फिर डी से सी का 7/10 अनुपात 3/5, तो कटाएंगे तो 5 से 2 बार में 7/6 हो जाएगा। इसको उलट के लिख लीजिए, आराम पड़ेगा। सी से डी 6/7, देख रहे हैं कितना ड्रामा किया, उलट के भी लिखना है आपको। इसी से डी हम लिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आप बराबर करने चले कि भाई एक ही अदमिया का मान दो जगह अलग अलग, कोई कहता है ना कोई कोई, तो बी यहाँ पे 3 है, बी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सी 6 है, यहाँ पे सी 5 है, तो बराबर करने में देख रहे हैं आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवालों में जब सवाल थोड़ा लंबा है तो वही ऑप्शन वाला तरीका दी बेस्ट है। दूसरी बात कि ऑप्शन यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ऑप्शन दिया है कि थोड़ा सा वो रिसर्च कर दिया है कि कहीं आप शुरुआती वाला चेक तो नहीं करने बैठ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है लास्ट वाला करेंगे। हम दिमाग से कम तेज नहीं लगाएंगे, हम कम दिमाग से नहीं लगाएंगे, हम लोग जो है सी से डी पकड़ेंगे, ए से बी पकड़बे नहीं करेंगे, बी से सी पकड़बे नहीं करेंगे, बी सी करे सी से डी पकड़ेंगे या सवाल को मारेंगे खत्म फटाक से। नहीं तो देखिए सी से डी ऐसा ऑप्शन चुनिए जो 6/7 दे, जो सी से डी में अनुपात 6/7 दे वही हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए सी से डी अगर सी है, अगर सी है तो डी है, तो देखिए 7/9 जो कि खत्म, अगर ही है तो देखिए 6/7 दे रहा है क्या, तो हाँ 5 से 6 बार में 5 से 7 बार में, चलो इसको भाई पेंडिंग रखो, भाई हो सकता है अभी मारो तो नहीं, हो सकता है, हो सकता है कोई और एक ऑप्शन नहीं मिल जाए 6 से 7 देने वाला तो दिक्कत करेगा। अब देखिए तो 15/7 दे रहा है हमको, 6/7 चाहिए, ये भी खत्म। ये देखिए 24/16 यानी कि 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में यानी कि 3/2 दे रहा है, ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, फटाक से हो गया आंसर, समझ गए बात। कोई बच्चा कहता कि नहीं हम ए से बी चेक करते फिर बी से सी चेक करते सी से डी चेक करते, तो आपको जो है बता दे रहे हैं कि परेशान थोड़ा सा करेगा ऐसे करने में भी। ऑप्शन में अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ए से बी अगर आप शुरुआत में चेक किए तो 3-3 को ऑप्शन सही होने लगेगा, 2/1 जो इसे मैंने इसको करके 2/3 देने वाला 3-3 को ऑप्शन देगा। बी से सी जो है 4/5 अगर देखेंगे, बी से सी को चेक करने बैठे तो भी जो है क्या बोलते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 4/5, 6 से 4 बार, 6 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 2-2 को ऑप्शन फिर भी दे रहा है 4/5। इसलिए हम लोग जो है सी से डी फटाक से मारेंगे, एक ही ऑप्शन मिला और हो गया आंसर। तो लास्ट में वाला ध्यान दीजिएगा कि जब बड़ा सवाल हो तो लास्ट वाला ही पकड़िए, ए बी सी डी दिया हो, ए बी सी डी ई कर दिया हो, कुछ भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर दिया हो, चाहे
PQRST कर दिया, माने चार चार गो, पांच पांच गो, छह छह गो दिया है, तो लास्ट वाला पकड़िए, शुरुआत वाला नहीं, लास्ट वाला पकड़िए, और जो ऑप्शन लास्ट वाला के अनुसार दे रहा है मार दीजिए फटाक से, अगर एक ही ऑप्शन दे रहा है तो, अगर दो दो ऑप्शन है तो चेक करना पड़ेगा फिर। तो चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा हम पढ़ा रहे हैं ये जरूर बताइए प्लीज प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप हमारे वीडियो को, हम लाइक करने का भीख नहीं मांग रहे हैं, सब्सक्राइब करने का भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, क्या आ रहा है, सारा एकदम सच्चाई में बात बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे। आप वीडियो को पूरा देखिए, शुरुआत में कोई भी वीडियो शुरू कीजिए तो उसको पूरा देखिए। यहाँ पे दूसरी बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की चैनल नया है तो इसपे व्यू वगैरह कम होने से, चाहे सब्सक्राइबर आपको कम दिखने से, ये नहीं समझ लीजिए कि यहाँ ढंग का पढ़ाई नहीं होता इसलिए ऐसा है, भीड़ भाई सही बात है, भीड़ भीड़ को खींचती है, तो आप जो है ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पाएंगे। आप खुद जो है ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पढ़ते हैं तो वहां पता कर लीजिए कि इस तरीके से ऑप्शन से कोई सवालों को बनाता है क्या। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।